यूपी के इटावा में गांव वालों ने ही पुलिस वालों की जमकर धुनाई कर दी। इन लोगों ने एसएसआई समेत चार पुलिस कर्मियों को चार घंटे तक बंधक बनाए रखा। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आइए आपको दिखाते हैं। ये लहूलुहान पुलिस वाले, ये जख्मी युवक, ये राह का ढेर, ये सब तस्वीरें इटावा के भरथना इलाके के बनामई गांव में मंगलवार रात हुए हंगामे और हमले की कहानी कह रही हैं। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते शादी रचाने के एक मामले को लेकर गांव में तनाव है। आरोप है कि इसी को लेकर लड़की वालों ने पहले लड़के पक्ष के घर पर हमला बोला और फिर पुलिस के आने पर पुलिस को भी नहीं बख्शा। लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे वैसे ही गाड़ी की लाइट और वो देख करके करीबन 150 आदमी आ गए और एकाएक मारने पीटने लगे। लेकिन आरोप ये भी है कि पुलिस के साथ आए लड़के पक्ष ने लड़की वालों के घर पे आगजनी की। उधर लड़के कुलदीप के भाई संजू का कहना है कि लड़की पक्ष ने ही उनके घर पर हमला बोला और महिलाओं से भी बदसलूकी की। सर, मेरे मकान को गिरा रहे थे, चाची और दादी की इज्जत भी लूट रहे थे। मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया तो कंट्रोल रूम पहली बार फोन किया तो फोर्स आया नहीं, मैंने दूसरी बार फोन किया तो फोर्स आया तो अपने में गांव के लिए रास्ता मैं सड़क से रास्ता गई थी, उस पर मैं मतलब खड़ा था तो मैंने हाथ भी दिया फोर्स को तो मैं गाड़ी के साथ में चला। मैं बोलता सर मैं बताता हूँ, वहां तक पहुँचने से पहले उन लोगों ने हंगामा किया, मारपीट की हम लोगों की। पुलिस वालों के मुताबिक गांव वालों ने उन्हें करीब चार घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे, तब जाकर पुलिस वालों को मुक्त कराया जा सका। पीड़ित पुलिस वालों का यहां तक कहना है कि गुस्साए गांव वाले उन्हें आग के हवाले कर मार देने पर आमादा थे। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है। इस समय इटावा से दिनेश शाक्य।